मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके अब्बू का क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। आपके दादा का नाम था? क्या नाम था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम था? आपके अम्मी का क्या नाम था? हजरत आमिना। आपकी दादी का क्या नाम था? हजरत फातिमा। और आपकी नानी का क्या नाम था? जितना पढ़ाते हैं इतना बोलते हैं आगे दसवीं दर्श नहीं बोलते हैं। हजरत बर्रा। क्या नाम था? हजरत बर्रा। क्या नाम था? दादू का नाम क्या था? और नानों का? आपसे सदन को पैदा होने के बाद कितनी औरतों ने फीड किया? नंबर एक। नंबर दो हजरत सोबिया। नंबर तीन हजरत हलीमा सादिया। हजरत सोबिया के पास कितने अरसा रहे? चार माह। और अम्मा हलीमा के पास? आपकी अम्मी का फोर्थ हुई जब आप छह साल के थे। जब आप कितनी उम्र के थे? कितने साल के थे? छह साल। और आपके अबू का फोर्थ हुए? आपकी पैदाइश से पहले ही फोर्थ हो गए थे। आपकी पैदाइश से पहले ही फोर्थ हो चुके थे। आपकी पैदाइश से पहले ही फोर्थ हो चुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम की किस बेटे की औलाद में से हैं? हजरत आप कबीले कुरैश के किस खानदान में से हैं? बनू हाशिम। किस खानदान में से थे? आप कौन से गांव में पैदा हुए? इस देश में पैदा हुए नौ रबीउल अव्वल। किस डेट को पता हुआ? 9 रबीउल अव्वल को पता हुआ। कितनी? 9 रबीउल अव्वल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा? अम्मी ने। और उसके बाद अम्मी ने क्या नाम रखा था? अहमद। क्या नाम रखा था? और दादा ने क्या नाम रखा? मुहम्मद। आप शाम कितनी मरतबा गए? इसलिए कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। सेकंड टाइम जब आप जा रहे थे शाम, तो आप अम्मा खतीजा का सामान लेकर गए। किसका सामान लेकर गए? और साथ में उनका गुलाम भी था। साथ में उनका रास्ते में कौन से राहिब से मुलाकात होती? हाँ, एक राहिब से रास्ते में मुलाकात हुई। उसने आपके बारे में सब कुछ बताया कि आपका तस्करा कहाँ पर है? किताबों में। वो चूंकि आसमानी किताब में पढ़ा हुआ था, उसने बताया कि आपका तस्करा पहले किताबों में मौजूद है। उस गुलाम में आकर के सारा बताया कि आपने बिजनेस वहाँ कैसे किया, आप वहाँ गए कारोबार करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अच्छा सामान था उसको एक तरफ करके रख दिया, जो बुरा सामान था वो एक तरफ कर दिया। रास्ते में बारिश हुई, कुछ गीला था, कुछ तर था। गीला एक तरफ, खुश्क एक तरफ। फिर उस गीले को अलग सेल किया और सूखे हुए को अलग सेल किया। और जब तोलते थे तो थोड़ा इजाफी बोलते थे, तोलते थे तो मीन्स दर्जन केले कितने होते हैं? बारह के दर्जन होते ना, तो नबी से सिर्फ 13 दिया करते थे। कितने दिया करते थे? फॉर एग्जाम्पल, उसने केले तो नहीं दिया, लेकिन मिसाल दे रहा, क्या दे रहा हूँ? मिसाल दे, दर्जन 12 का होता है, लेकिन आप कितने का दे रहे थे? 13 का दे रहे थे। तो नबी से जब सेल करते थे किसी चीज को तो इजाफी थोड़ा सा ज्यादा देते थे, थोड़ा सा ज्यादा। अभी बड़े होकर पैटर्न बनोगे? तो पैटर्न बनाने का काम कौन कौन को देते होगे तुम, है ना? हाँ, हम पता है नबी सीरत पे अमल करते हैं। नबी से ज्यादा बोलते थे तो हम भी ज्यादा बोलेंगे, भी अजान दे देंगे।